श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। आप सबका स्वागत हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा एपिसोड है वो रियल एस्टेट पे डिपेंड है, यानी इस एपिसोड के अंदर हम आपको वो चीज़ बताएंगे जो आज की बहुत ही विकट और बहुत ही परेशान वाली समस्या है। क्योंकि आप कहीं पर भी देखेंगे तो हर कोई इंसान अपना डेवलपमेंट चाहता है, वो एक छोटे मकान में से बड़े मकान की तरफ बढ़ना चाहता है। अब फ्लैट में रहता है तो कोई बंगलोज लेना चाहता है, कोई अगर किराए पे रहता है तो खुद का मकान करना चाहता है। तो क्या ये जो मकान का जो हमारा कहते हैं ना कि पूरा आज भारतवर्ष, यहाँ तक कि पूरी दुनिया एक डेवलपिंग एरिया में बढ़ रही है, आगे डेवलप कर रही है खुद को, तो हर इंसान भी चाहता है कि हम भी हमारे जीवन में जो अभी की परिस्थिति है उससे हम आगे निकले। तो उसके अंदर आपको आज की जो टॉपिक हमारी ले रही है, उस टॉपिक के अंदर अगर आपको कोई आपकी प्रॉपर्टी सेल करनी हो, या फिर आपकी फैक्ट्री सेल करनी हो, या आपकी लैंड सेल करनी हो, या आपके पुरखों का मकान भी अगर बेचना हो और उसकी अच्छी कीमत आए, जिस वजह से आप वो पुराना मकान बेच के खुद का एक नया आलीशान मकान खरीद सको, ऐसा आप हर किसी का एक ड्रीम्स होता है, सपना होता है। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी ये वीडियोस है, इस वीडियोस के अंदर मैं आपको ऐसे ऐसे कुछ टॉपिक दिखाऊंगा जो वास्तुशास्त्र में ही से डिपेंड है, और उसमें कुछ क्या हम हमारे घर के अंदर ऐसा बहुत जो एग्जिस्टिंग हमारा मकान है उसमें ऐसा कुछ चेंज कर सकते हैं जिससे उसकी हमें पॉजिटिविटी मिले, सकारात्मक ऊर्जा मिले, और हमारी प्रॉपर्टी हो, हमारा मकान हो, हमारी फैक्ट्री हो, हमारा घर हो, हमारी दुकान हो, या हमारी ज़मीन हो, वो अच्छी कीमत पर सेल आउट हो जाए। ये जो वीडियो है वो उन ब्रोकरों के भी लिए भी बहुत ही यूज़फुल है जो रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं ऐसी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी उनके पास पड़ी होती है, बिल्डरों के पास ऐसी प्रॉपर्टी पड़ी होती है जो कई सालों से सेल आउट होती नहीं। ऐसी ज़मीन होती है, ऐसे बंगलोज होते हैं, ऐसे फ्लैट होते हैं, ऐसी शॉप होती है, वो कभी डेड इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज जो हमारा एक्सपीरियंस बेस ये पूरा एपिसोड है, क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे केस स्टडी देखे और लोगों को टिप्स भी कराई है कि वो अपनी प्रॉपर्टी यहाँ से ऐसे इस सहायता से सेल आउट करें। तो सबसे पहले आपको उसके लिए एक नक्शा समझना पड़ेगा, क्योंकि आज अगर आप जो मकान में रह रहे हो, अगर वही मकान अगर बेचना है, देखिए साथ शांति से सुनना, जो आपकी प्रॉपर्टी है उसी प्रॉपर्टी को अगर आपको सेल आउट करना है, या फिर आपका कोई इन्वेस्टमेंट है उसको सेल आउट करना है और आप और कहीं रहते हैं, ये एक डिफरेंस है। अगर आप जहाँ रहते हो वहाँ की प्रॉपर्टी सेल करनी हो, या आपका कोई इन्वेस्टमेंट सेल करना हो, तो जो मैं टिप्स बताऊंगा दोनों को मिक्सअप बताऊंगा, आपको वो टिप्स करना है। अगर उस टिप्स की आप यूज़ करोगे तो आपकी कुछ ही दिनों में उसकी अच्छी रिजल्ट प्राप्त होगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको इस मैप पे ले जा रहा हूँ, तो इस मैप पे आप देखोगे तो ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण है। तो आपको अगर समझो कि कोई प्रॉपर्टी बेचनी हो तो उसके दस्तावेज इंडेक्स, या फिर उसकी रजिस्ट्री कॉपी हो, या उसके डॉक्यूमेंट हो, या उसकी कहते हैं ना कि गवर्नमेंट से जुड़े कोई भी दस्तावेज उस प्रॉपर्टी के, या जिस प्रॉपर्टी में वो रह रहे हैं, या वो प्रॉपर्टी बेचनी हो, या कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हुई प्रॉपर्टी हो उसको सेल आउट करनी हो, या कोई ज़मीन हो उसको सेल आउट करनी हो, या शॉप हो, या फिर कोई भी ऐसी मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स हो उसको सेल करना हो, तो उससे रिलेटेड गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो भी पेपर है, जो प्रॉपर्टी के कहते हैं ना उसका अता पता, उससे ही पता चलता है पेपरों से ये प्रॉपर्टी किसके नाम की है और इसका कौन ओनर है। तो वो प्रॉपर्टी के पेपर को एक साइड थोड़ी सी हल्दी लगा के, तिलक करके, हल्दी का तिलक करके, आपको आपके वास्तु के नॉर्थ वेस्ट जोन के अंदर एक सेल्फ के अंदर वो पेपर सब रखने हैं। ये जो सेल्फ हो ये मेटल का, लोहे का होना चाहिए, और इसके अंदर आपके सब पेपर होने चाहिए उसके रिलेटेड। तो आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, या आपकी जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है, रूटिंग प्रॉपर्टी है, वो सेल आउट हो जाएगी और अच्छी उसकी कीमत आपको प्राप्त होगी। एक ये टिप्स आपको करनी है। दूसरी टिप्स आ रही है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि वेस्ट जोन के अंदर आपको अगर कोई मकान बेच के दूसरा मकान लेना है, टारगेट से लेना है कि अभी हम ये प्रॉपर्टी सेल आउट करेंगे और दूसरा मकान खरीदेंगे, तो उस मकान का ब्रोशर वेस्ट जोन में रखना है। वेस्ट जोन में उसका पिक लगा दो, या कुछ भी, अगर आपको कोई चॉइस नहीं है, खाली आपको एक फ्लैट लेना है तो कोई भी अपार्टमेंट की पीक लगा दो, या आपको डुप्लेक्स लेना है तो कोई भी डुप्लेक्स की पीक लगा दो। नॉर्थ वेस्ट में प्रॉपर्टी सेल आउट के पेपर्स, और यहाँ पे किसी भी प्रॉपर्टी को परचेस करनी है तो वहां की एक पीक लगा दो। और दूसरी, नॉर्थ जोन के अंदर आपको एक ब्लू बल्ब, यहाँ पे ब्लू बल्ब एक 24 घंटे, ये जलता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की स्विच ही नहीं हो, 24 घंटे ब्लू कलर ब्लू बल्ब,
ये एक बल्ब यहां पे नॉर्थ में लगा दो, दूसरा एक रेड बल्ब यहां पे, रेड बल्ब इसको भी 24 घंटे ऑन रखो, जिससे क्या होगा नॉर्थ की वाइब्रेशन आपके पास एक नया अवसर लेके आएगी और यहां से आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होगी, प्लस आपके घर में जो रुका हुआ पैसा है एक प्रॉपर्टी के अंदर वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा और आपका टारगेट पूरा होगा। अगर ये टिप्स आपने कर ली तो ये तीन चार जो मैंने इसमें दिखाया है वो चीज आपने किया है तो 100% आपकी प्रॉपर्टी अच्छी कीमत पे सोल्व हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, सपोज ये तो हो गया आपका घर है तो वहां पे आप ऐसा कर सकते हो, पर अगर किसी को जमीन बेचनी है तो जमीन के कागजात यहाँ पे रख दीजिए, फिर उससे आने वाले पैसे का भी अपने घर में इस तरह से प्रॉब्लम सोल्व कर दीजिए, पीक लगा दीजिए और दो लाइट कर दीजिए। साथ साथ उस जमीन को बेचने के लिए आपको एक और टिप्स दे रहा हूं कि अगर आप उसको बेचना चाहते हो तो जिस ओनर की जो जमीन है, मकान है, घर है, दुकान है, कॉम्प्लेक्स है, कुछ भी हो, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे वो एक एजेंट हो, ब्रोकर हो, तो उसको हमेशा अपने जेब के अंदर एक चांदी का, ठोस चांदी का एक टुकड़ा अपने जेब में रखना है, वो चाहे 2 इंच बाय 2 इंच का हो या 1.5 इंच बाय 1.5 इंच का हो, तो वो चांदी का टुकड़ा हमेशा अपने पास रखेगा जिससे उसकी प्रॉपर्टी सेल आउट होगी। साथ साथ उसको चांदी के ही ग्लास में पानी पीना है। तो ये दो की अगर कृपा होगी, यानी उसको कोई सपोर्ट प्राप्त होगा, उससे लोग जुड़ेंगे और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सेल आउट होगी। तीसरा एक और टिप्स है, ये टिप्स बहुत ही पावरफुल है। आपको अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी सही कीमत पे, यानी एक मनोइच्छित कितने कीमत पे बेचनी हो, प्रॉफिटेबल में बेचनी हो, चाहे मकान हो, घर हो, दुकान हो, फैक्ट्री हो, या जमीन हो, या कोई भी जिसमें आप रह रहे हो वो फ्लैट बेचना हो, वो बंगलोस बेचना हो, या जिस दुकान में आप बिजनेस कर रहे हो वो दुकान बेचनी हो, जिस फैक्ट्री में आप फैक्ट्री चला रहे हो उस फैक्ट्री को बेच के आप विकास करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो इस तरह से मैंने आपको टिप बताई। चांदी का टुकड़ा आप भी रख सकते हो और चांदी के ग्लास में आप भी पानी पी सकते हो। साथ साथ आपको सोमवार के दिन 3 झाड़ू खरीदने, जो हमारे घर में कचरा निकालते हैं ना, वैसे 3 झाड़ू फ्रेश झाड़ू खरीद के लाना है, और अगले दिन यानी मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर हो वहाँ चुपचाप जाके वो 3 झाड़ू रख देने। ऐसा करने से आपको इतना पॉजिटिविटी मिलेगी, इतनी सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो एक प्रॉफिटेबल रेट में, एक टारगेट वाले रेट में बिक जाएगी और उस पैसे से आप अपना विकास कर पाओगे। फ्रेंड्स ये बहुत ही पावरफुल रेमेडीज है। अगर इस रेमेडीज को आपने सच्चे दिल से, श्रद्धा से अपने जीवन में उतारा या किया, इस पर फॉलोअप किया, इसको इसके ऊपर काम किया, तो 100% आप निराश नहीं होंगे और आपको एक बहुत अच्छा इससे फ़ायदा होगा। आपके पुराने मकान हो वो बिक जाएंगे और आप नए मकान खरीद सकोगे। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।